मेरा नाम मोहन कुमार खटाऊ डोडेचा है और मैं कमर्शियल आर्टिस्ट हूं करके ये मेरा शौक का विषय है और मैं हर साल बनाते रहता हूं। ये रंगोली मैं 1961 से बना रहा हूं। साबूदाना मैंने इसलिए यूज़ किया है कि उसको जो कलर में मुझे डालना है वो कलर में उसको डाल सकता हूं। तो जो रेफरेंस मैं लेता हूं गणेश जी का, उसके अंदर जो कलर मुझे चाहिए वो कलर मुझे मिलता है। तो ये जो सागो है, मतलब साबूदाना बोलो या तो सागो बोलो, उसको ज़्यादा करके मैं 300 से 350 कलर सेट्स यूज़ करता हूँ और मेरी रंगोली की साइज़ नॉर्मली 50 स्क्वायर फीट के करीबन रहती है। और इसको बनाने के लिए मुझे 12 घंटा हर रोज का और एक महीना लगता है घर। और मेरे साथ मेरे दोस्त भी हैं, भूपेश जोशी और दयाराम हिंदी सोता, और बाकी के असिस्टेंट आते हैं, वो अपने हिसाब से आते हैं, काम करते हैं और अच्छा लगता है करके। रंगोली सिर्फ मैं गणपति के टाइम में ही बनाता हूँ, और कोई व्यवहार की ये कोई त्यौहार होगा उस पर मैं रंगोली नहीं बनाता हूँ, सिर्फ गणपति में ही बनाता हूँ और लास्ट 62 ईयर्स है। रंगोली बनाने के पहले मैं रेफरेंस लेता हूँ हर साल, कहाँ से न कहाँ से मुझे रेफरेंस मिलता है, लेकिन मेनली मैं SM पंडित करके जो पेंटर है इंटरनेशनल वाले, उनका रेफरेंस मैं लेता हूँ और वो रेफरेंस के हिसाब से मैं रंगोली बनाता हूँ करके। रंगोली की जहाँ तक बात है तो मैं साबूदाने की ही रंगोली बनाता हूँ और हर साल गणपति का क्रिएटिव फॉर्म में, ग्राफिक सेंस में, ग्राफिक का मैं वुड, ब्रास, थ्रेड, मार्बल, एमसिल, अलग अलग माध्यम से मैं ग्राफिक गणेश बनाता हूँ, वो भी मेरे 62 गणेश हैं। गणपति बनाने के लिए नॉर्मली जो मैंने बोला कि साइज़ जो है 50 स्क्वायर फीट रहती है और इसके अंदर 35-40 kg साबूदाने लगते हैं। बस गणपति की विसर्जन होती है ऐसा इनका भी विसर्जन ही करना पड़ता है, साथ में लेके समुद्र में विसर्जन करते हैं।
मेरा नाम भूपेंद्र जोशी, मैं फोटोग्राफर फोटोग्राफर हूँ और आर्ट मेरा शौक है। ये रंगोली 1961 में मोहन भाई ने जब स्टार्ट किया उस वक्त उन्होंने धान्य की जो है ना वो रंगोली बनाई थी, तो वो रंगोली में धान्य के अंदर इनको रेड कलर जो मांगता था वो रेड कलर नहीं मिला, तो सोचा अभी क्या करें, तो रेड कलर के लिए उन्होंने साबुदाने को रेड कलर किया, तो वो रेड कलर इतना अच्छा लगा और पूरे पिक्चर के अंदर वो इतना डोमिनेट और इतना अच्छा लगने लगा, तो सोचा कि साबुदाना तो वाइट है तो अपन साबुदाने को जो कलर मांगता है वो कलर डाल के उसका जो शेड मांगता है वो शेड कर सकते हैं। उसी टाइम के बाद 62 से सब साबुदाना यूज़ किया है। चैलेंज में ये जो हमारे जो मीडिया है ना, ये मीडिया आज तक किसी ने उसका यूज़ नहीं किया है, और जो अपन दिवाली के टाइम पे जो रंगोली बनाते हैं उसको तो आप जैसा कलर मांगता है ऐसा आप मिक्स कर सकते हैं, लेकिन हमको ये पहले से कलर सेट बनाना पड़ता है, जो हमको चाहिए वो कलर सेट बनाते हैं, उसके बाद जो चाहिए उस कलर को अब इसके साथ में हम लोग जोड़ते हैं। वो जो हमारा जो तकलीफ ये होता है कि कभी कभी ऐसा दो कलर मिक्स नहीं होता है, तो उसको मिक्स करने के लिए क्या करना चाहिए और कौन सा कलर कैसे बनाना चाहिए वो हम लोग उसी तरह से बनाते हैं और मिक्स करते हैं। मैं पोस्टर कलर ही यूज़ करता हूँ। कलर बनाने के पहले पानी में डालता हूँ, कलर हो जाता है और उसको मैं सूखने के लिए 12 घंटा लगता है और मुझे जो सेट चाहिए वो मिल जाता है। गणपति तो हर लोग हर हर तरह के गणपति डेकोरेशन ये सब जो बनाते हैं, लेकिन हमारा जो ये जो मीडिया गणपति का साबुदाने का गणपति जो है ना वो कोई नहीं बनाता है, और ये सब लोग सोचते हैं कि ये क्या है, स्टैच्यू है क्या मूर्ति है कि कागज़ का है कि क्या है कुछ, लेकिन हम लोग उसके लिए साबुदाने के गणपति यूज़ अपना रंगोली यूज़ करते हैं, तो रंगोली किसी के दिमाग में नहीं आता, फिर बाद में जब भी देखते हैं कि ग्राउंड पर ऐसा बनाया हुआ जब भी तभी लगता है कि नहीं हाँ रंगोली है। और ये रंगोली बनाने के लिए जो हमको है ना एक महीना लगता है और एक एक करके साबुदाना रखते हैं तो बहुत समय लगता है, और हमारे पास एक अच्छी टीम है तो हम सब टीम वर्क में साथ काम करते हैं। मेरा जो एग्जीबिशन स्टार्ट होता है 7 सितंबर से 18 सितंबर तक, और वो मारुति आर्केड जवाहरलाल नेहरू रोड और कोठारी निवास के सामने रखा हुआ है, और सुबह 10 से लेकर रात को 10 बजे तक ये जो एग्जीबिशन है मुलुन के अंदर रखा हुआ है, मुलुन वेस्ट। थैंक यू।